बारां जिले के तत्वावधान में आयोजित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी छिपा बड़ौद में सप्त दिवसीय नवीन आचार्य दिशा बोध वर्ग का आज उद्घाटन सत्र में अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन मां सरस्वती के मंगलाचरण के साथ हुआ। वर्ग संयोजक हरि सिंह गोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्या मंदिर भारतीय शिक्षा संस्थान बारां जिले के तत्वावधान में आयोजित सप्त दिवसीय नवीन आचार्य वर्ग का आज उद्घाटन सत्र रहा, जिसमें मुख्य अतिथि दिनेश भार्गव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी छिबा बड़ौद एवं विशिष्ट अतिथि निरंजन शर्मा भोला मौजूद रहे। वहीं मुख्य वक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा, विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत मंत्री रहे। सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव जगदीश नागर, प्रधानाचार्य जोधराज नागर, छबड़ा प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा ने किया। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनेश भार्गव ने बताया कि भारत में शिक्षा प्रणाली जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उत्पाद शिक्षा दी जाती है, विद्या भारती पंचकोश आधारित शिक्षा देती है, वह संपूर्ण देश भर में एक ही जैसे हैं। इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा गुरुकुल आधारित शिक्षा, जो बालकों में शिक्षा और संस्कार के भाव के साथ साथ सेवा भाव भी पुष्ट करती है। बिना संस्कार के बल वाले विवेक हो जाता है, समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाता। संस्कार ही बलवान युवक की राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। विद्या भारती के वाक्य को लेकर आज ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से कोई इमारत बनती है वो गलत हो जाती है, उसको तोड़ के दोबारा बनाया जा सकता है, पर यदि कोई बालक अपनी गलत शिक्षा और गलत राह पर निकल पड़ा, उसको मोड़ना बहुत मुश्किल है। बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली गैसड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नचौरी में सुबह करीब 10 से 11 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी चपेट में करीब 30 से अधिक घर और उसकी गृहस्थी जलकर राख हो गई। अग्नि के चपेट में एक मवेशी बुरी तरह झुलस गई, एक बकरा झुलस जाने से घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि सुबह करीब 10 से 11 बजे कल्पनाथ पुत्र गजाधर के घर से अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते लोगों के घर में रखे गृहस्थी के सामान व नगदी सहित अभिलेख भी जलकर राख हो गए। इस भीषण आग की चपेट में पुजारी के घर में LMT का सामान करीब 2 लाख रुपए का रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया एवं बकरे की जलकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें, कल्पनाथ के घर में 11 जून को लड़की की शादी होना निश्चय था। अब देखना यह है कि आर्थिक तंगी की मार में वह कैसे शादी को निपटा सकेंगे। अग्नि पीड़ितों में भारी क्षति हुई है, लोगों के अन्य वैवाहिक कामकाज कैसे संपन्न होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। लोगों का कहना है कि सुबह जब आग लगी तब हवा के साथ साथ कड़ी धूप भी थी, जिससे अधिक घर आग की चपेट में आ गए। गाँव के समाज सेवी शेषराम ने अग्नि पीड़ितों को अपने निजी संस्थान से लंच पैकेट वितरित किए और अग्नि पीड़ितों को उचित सहयोग कराए जाने की मांग शासन व प्रशासन से की है। बाटला छोड़ दे नहीं बाटला हम। आज थाना क्षेत्र गैसली के ग्राम चोरी में सुबह आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल फायर टेंडर को भेजा गया था और पुलिस बल और फायर सर्विस के कर्मचारियों द्वारा आग पे काबू पा लिया गया, जिसके इस आगजनी में 18 घर जल गए, जिसमें करीब 19 परिवार है जो प्रभावित हुए हैं। जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, एक पशु झुलस गया है तथा एक पशु की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद थी और उन्होंने ग्रामवासियों की मदद से आग को बुझा लिया। इटावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के जन्मदिन के अवसर पर 9 जून को सेवा संकल्प दिवस के मौके पर बस स्टेशन इटावा पर नवनिर्मित पुलिस सहायक केंद्र का लोकार्पण, मुख्य अतिथि संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशिष्ट अतिथि कपिल देव सिंह, पुलिस अधीक्षक इटावा श्री अनिल कुमार सिंह, सीओ सिटी इटावा श्री PR पांडे, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम इटावा की गरमाई उपस्थिति में मुख्य अतिथि संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया।
जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार जैन सहित अन्य ने 9 जून सेवा संकल्प दिवस के मौके पर पुलिस सहायता केंद्र की चाबी एसएसपी को भेंट कर जनसेवा के लिए समर्पित की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का फूलमाला एवं प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन व्यापार मंडल का धन्यवाद देता है, इस प्रकार के कार्यों से जनसेवा का भाव जागृत होता है। बस स्टेशन इटावा पर अब 24 घंटे यात्रियों की सुरक्षा एवं जनमानस की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन के आग्रह पर हमारे व्यापार मंडल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये नव निर्मित पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण कराकर प्रशासन को सौंपा है। देखिए, पुलिस सहायता केंद्र नया शहर ये रोडवेज के पास है, बस स्टैंड के पास, और ये व्यापारियों के सहयोग से, जन सहयोग से बना है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत भव्य बनाया गया है। निश्चित तौर से पुलिस और व्यापारियों का संबंध इससे प्रगाढ़ होगा और बहुत ही अच्छी एक परंपरा जो बनी हुई है। एक तो व्यापारियों के साथ जो कभी कभी अपराध होता है, छोटी मोटी जो घटनाएँ होती हैं, उससे व्यापारी और पुलिस एक सूत्र में बंधेंगे और कम से कम उन तरह की घटनाओं की सुनवाई में उनका एक बेहतर प्रबंधन होगा, बेहतर सुनवाई होगी, बेहतर ढंग से जो है उसका निस्तारण होगा। तो निश्चित तौर से कि जब संबंध अच्छा होता है, इस तरह से आप लोगों के सहयोग से जो इस तरह से एक पुलिस बूथ या जो आप चौकी भी कह सकते हैं उसे, जिस तरह से ये प्रबंधन किया गया, जो बनवाया गया है, तो दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ इतने अच्छे हो जाएंगे कि समस्याओं का, तमाम समस्याएँ जो आती हैं व्यापारियों के लिए या आम जनता के लिए जो समस्याएँ आती हैं उसको निस्तारण करने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। चूँकि गुना एमपी में मां भगवती की कृपा एवं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से देव शक्तियों की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा प्रधानाचार्य बेनी प्रसाद वशिष्ठ जी गुरुकुल आवन द्वारा ये 3 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिदिन हवन अभिषेक, जलाभिषेक, अन्न अभिषेक, फूल अभिषेक, फल अभिषेक विधि विधान से सम्पन्न हुआ, जिसमें सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को देखने का अवसर मिला। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों बच्चों को अपनी संस्कृति एवं हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। उनका उत्साह और उमंग देखकर ऐसा एहसास हो रहा था कि हमें अपने हिंदू धर्म पर गर्व है। सभी देव शक्तियों की स्थापना आरती के उपरांत शाम 6 बजे कन्या पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जो शाम के लगभग 10:30 बजे तक चला। ये आयोजन सभी के सहयोग एवं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से सफल और संपन्न हो सका। हरदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश की इंदौर रीजन में सराहनीय कार्य किया है। बैंक में आउटरीच कैंप के इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक राजीव मिश्रा, जोनल हेड्स बीपी दास, क्षेत्र प्रमुख लालवानी की उपस्थिति में हाउ टू रीच कैंपेन संपन्न हुआ। बैंक में मध्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा का फाइनेंस किया गया। महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा का फाइनेंस किया। महिलाओं ने बहुत प्रसन्नता से ई रिक्शा की चाबी ग्रहण करी और उसको चलाते हुए आगे बढ़े, जो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सशक्त हैं। आउटरीच कैंपेन में राजीव मिश्रा की उपस्थिति में बहुत सारे ग्राहकों को रिंग सुविधा प्रदान की गई, जो कुल मिलाकर 110 करोड़ की थी। इसमें छोटे बड़े कई ग्राहक जुड़े हुए थे। सभी ग्राहकों ने यूनियन बैंक को धन्यवाद कहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में सारी सरकारी योजनाओं का बहुत सफलता से कार्य कर रही है। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं मुख्य महाप्रबंधक हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया साम ब्रांच साम वर्टिकल में और केंद्रीय कार्यालय में कार्य करता हूँ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि नारी एक बड़ी शक्ति के रूप में है और इसीलिए यूनियन बैंक ने इसको एक पहल के रूप में लिया है कि अब नारी की बारी करके हम लोग एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी कोशिश है कि पूरे भारतवर्ष में कम से कम 125 सवा करोड़ लाख लोग नारियों को हम 100 दिन के अंदर लोन की पोर्शन करें, वित्तीय पोषण प्रदान करें। और इसके तहत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, जैसे कि हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है यूनियन नारी शक्ति, उसके अंतर्गत उनको वित्तीय पोषण देते हैं और कोशिश है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ें और उनके जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक इसमें अपना अग्रिम भूमिका निभाए। झालरा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर शुक्रवार रात रटलाई गांव के पास
सड़क दुर्घटना में मजदूर दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पति पत्नी दोनों को उपचार के लिए झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल मजदूर दंपत्ति मूलतः झालावाड़ के ही बाघेर गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों पिछले कुछ सालों से झालरा पाटन चंद्रावती ग्रोथ सेंटर में कोटा स्टोन की फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और फैक्ट्री में ही बनी क्वार्टर में रहते हैं। सदर थाना पुलिस ने बताया कि बालचंद 45 वर्ष पुत्र मोहनलाल व उसकी पत्नी कृष्णाबाई 40 वर्ष ने कुछ दिनों पहले अपने सेठ से बाघेर गांव के ही भेरूलाल को 5,000 रुपए उधार दिलवाए थे। भेरूलाल को इस रकम के बदले सेठ की फैक्ट्री पर मजदूरी करना तय हुआ था, लेकिन रुपए लेने के बाद भेरूलाल नदारद हो गया और फैक्ट्री पर मजदूरी करने भी नहीं पहुंचा, तो सेठ ने बालचंद और कृष्णाबाई से भेरूलाल को तलाश करके लाने के लिए कहा। भेरूलाल की तलाश में ही दोनों शुक्रवार सुबह बिरिया खनन क्षेत्र गए थे, लेकिन भेरूलाल नहीं मिला तो रात को दोनों बाइक से वापस झालरा पाटन चंद्रावती गोट सेंटर लौट रहे थे, लेकिन झालरा पाटन पहुंचने से पहले ही रटलाई गांव के पास उनकी बाइक को अज्ञात बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। रायबरेली में ANM अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सौंपा नियुक्ति पत्र। जनपद में कुल 130 अभ्यर्थी हुए चयनित। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र बांटे। जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रायबरेली वासियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रायबरेली जनपद में 130 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति मेरे द्वारा और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री द्वारा आज दी गई है। मैं समझता हूँ रायबरेली जनपद में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता अब हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेंगी। सौभाग्य से ये सब महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनके भीतर वत्सलता, मातृत्व जिसे कहते हैं, अपने आप में कूट कूट के भर जाता है, जो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, जिनके भीतर अपने आप में ममता होती है, और जब किसी ममता के साथ किसी की चिकित्सा, किसी का इलाज किया जाता है तो और बेहतर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता आज भर्ती हुए हैं, ये बेहतर स्वास्थ्य रायबरेली का हो, इसकी चिंता जरूर करेंगे। आज दोपहर 2 बजे रीवा जिले के त्योंथर तहसील में वे कोल जनजाति सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री त्योंथर में 3.34 करोड़ रुपए की लागत से कोल गढ़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन करेंगे। त्योंथर सूक्ष्म सिंचाई योजना का शिलान्यास भी करेंगे। भू अधिकारी पत्र प्रदान करेंगे, साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय के समीप जनसभा को संबोधित करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।